Bruno. 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 इस्तांबुल बेशकशेर से हारने के बाद भाई, मैं हूँ चाहे तुम लोग, हम सब ने क्या सोचा था, मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत स्ट्रगल करेगी इस मैच में। एंड गेम के स्टार्ट होते ही स्टार्टिंग में 15-20 मिनट में उन्होंने गोल भी कंसीड कर लिया। क्या उम्मीद थी, क्या लगा, लग गए ओले की जॉब डेंजर में। बट भाई एक चीज़ याद रखो, जब ओले की जॉब डेंजर में होती है तो वो प्राइम सर एलेक्स फर्गसन जैसा बन जाता है। सीरियसली, ये उसकी नसीब है, ये उसका गेम है, ये उसका टैलेंट है, या फिर ये उसके टीम का उसकी तरफ प्यार है, मुझे नहीं पता भाई। बट जो भी है, ये चीज़ जो भी है, बहुत खतरनाक है। बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस की आज परफॉर्मेंस देखकर भाई, केविन डिब्रोयना के लेवल पे लगा वो बंदा आज, मैं सही बोल रहा हूँ। पता है शायद ओवर हाइप कर रहा, शायद ज़्यादा है, शायद कम है, नहीं, लेकिन भाई क्या खेला वो बंदा। आई नो मेरे वर्ड्स मर्मर हो रहे, बिकॉज ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी उस बंदे से भाई। मतलब ही वॉज लाइक द किंग इन द मिडल ऑफ द पार्क। वो भाई एवर्टन के मिडफील्ड के बीच में स्पेसेस ले रहा था, प्रॉपर रन्स मार रहा था बॉक्स में, लेट रन्स मार रहा था, अर्ली रन्स मार रहा था, अटैक को सपोर्ट कर रहा था, विंग्स पे जा रहा था, क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। लिटरली फर्स्ट गोल उसका पहला हेडर गोल है आज तक का मैनचेस्टर यूनाइटेड कैरियर में, एंड उसका सेकेंड गोल वो एक्चुअली लेफ्ट साइड पर जाकर सपोर्ट करके क्रॉस डाल रहा था रैशफर्ड को, जो रैशफर्ड मीट नहीं कर पा रहा फ्रेम पे लग के अंदर गई। तो भाई मतलब लिटरली ब्रूनो फर्नांडिस आज पिच के हर पार्ट पे काम कर रहा था। ही वॉज वर्किंग ऑन द लेफ्ट, वो एज अ नंबर 10 प्रॉपर अपने रोल पे खेल रहा था, दोनों साइड जा रहा था, कम्प्लीटली गेम को समझ रहा था, अंडरस्टैंड कर रहा था। डिकोरे और यहाँ पर एलन के बीच में जो थोड़ी सी स्पेस बच रही थी उनके बीच में, उस पर जा रहा था, बॉल रिसीव कर रहा था, बॉल प्ले कर रहा था, साइड एक साइड से दूसरे साइड स्विच कर रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा कि एवर्टन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, एवर्टन का भी फॉर्म बहुत बुरा चल रहा था। इस गेम के बाद उनने पिछले पॉसिबल 12 पॉइंट्स में से सिर्फ एक पॉइंट लिया है, तो तुम समझ सकते हो कि एवर्टन का भी कोई फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है। बट सबके बाद इस्तांबुल बेशिक्शेर से हारने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा, खासकर ओले गनर सोल्शर के ऊपर एक, इट वॉज लाइक यू नो, जो बोलते हैं हम, कि स्वॉर्ड लटक रही थी उसके गले पे, कि भाई अगर वो नहीं करेगा तो उसकी जॉब लाइन पे आ सकती है। उसके बाद से उनने वेंसडे नाइट एक मैच खेला है, एंड आज सैटरडे मॉर्निंग 12:13 के टाइमिंग के हिसाब से मैच था उनका। तो मतलब हार्डली वो लोग थर्सडे को यहाँ पर वापस आए मैनचेस्टर में, एक दिन उनको रेस्ट मिला, एक दिन ट्रेनिंग की होगी, उनने मैच के लिए प्रिपेयर किया होगा, एंड अगले दिन मैच। भाई दैट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एंड ये एक चीज़ थी जो बहुत हद तक अफेक्ट कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, मेरे हिसाब से कर सकती थी भाई, क्योंकि एक पॉजिटिव रिजल्ट इतनी बुरी कंडीशन में होके निकालना, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसी टीम है जो ऑलमोस्ट एक ही स्क्वाड स्टार्टिंग लाइनअप वापस भेजती है, एंड वो टायर्डनेस वो चीज़ तुमको दिखी। ल्यूक शॉ इंजर्ड हो गया है ना, रैशफोर्ड को इंजरी हो गई, एंड बाकी प्लेयर्स भी, कुछ प्लेयर्स में तुमको टायर्डनेस दिख रही होगी अगर तुम ध्यान दियोगे तो। बट भाई साहब, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इस मोमेंट पर मेरे मुंह से सिर्फ प्रेज निकलेगा, चाहे वो ब्रूनो फर्नांडेस हो, चाहे रैशफर्ड हो, चाहे मार्शियल हो। हाँ ठीक है, रैशफर्ड ने चांस मिस किया, मार्शियल ने चांस मिस किया, कंप्लीटली अग्रीड। बट इस लेवल के स्ट्रेस में आने के बाद, मतलब तुम मैच खेल रहे हो, वापस आ रहे हो, एक दिन रेस्ट करके एक दिन ट्रेनिंग करके तुम अगला मैच खेल रहे हो एवर्टन जैसी टीम के खिलाफ, और तुम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इतना एफर्ट डाल रहे हो, भाई हैट्स ऑफ टू एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर जो पिच पर उतरा था आज, क्योंकि भाई दिस इज़ नॉट ईजी। फ्रेड जो एफर्ट दिखा रहा था, मैकटॉमी ने जो एफर्ट दिखा रहा था, जो वो लोग कवर कर रहे थे, ठीक है, स्पेसेस नहीं दे रहे थे, इट वॉज ब्रिलियंट। मतलब देखो, एवर्टन वर वेस्टफुल, नो डाउट अबाउट दैट। एवर्टन को फ्लैंक्स पे काफ़ी बार बॉल मिली, उनके पास अपॉर्चुनिटीज थी क्रिएट करने की, 16-17 क्रॉसेज उन्हें ट्राई किए, बट सिर्फ एक भी क्रॉस ऐसा नहीं था जो स्कोर हुआ। एक जो स्कोर भी हुआ वो बनार्ड का इंडिविजुअल ब्रिलियंस था मेरे हिसाब से, तो एक अच्छी फ्लिक थी, बट बनार्ड का फिनिश काफ़ी प्यारा था, लक भी बोल सकते हो, वैन बिसाका के लेग्स के थ्रू गया। बट रेस्ट ऑफ द मैच वैन बिसाका वॉज अमेजिंग, जो डिफेंडिंग कर रहा था वो, जो टैकल्स मार रहा था वो, जो इंटरसेप्शंस कर रहा था वो, उसकी जो टाइमिंग्स थे टैकल्स के, दे वर अमेजिंग।
बाकी मैन यूनाइटेड डिफेंस के बारे में उतना अच्छा नहीं बोल सकता। वैन बिसाका वॉज अमेजिंग, नो डाउट अबाउट दैट। फ्रेड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने मैकटोमिनी इन दोनों के रोल के बारे में बात करी ली। कावानी ने अपना पहला गोल स्कोर किया आज मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग फॉर एनी प्लेयर, कि भाई पहला गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोमेंटम गेन करना। ही कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीजन, क्योंकि भाई बंदे में टैलेंट है, बंदे में गोल स्कोरिंग है भाई, तुमको पता है इज अ प्रूवन गोल स्कोरर, अब उसको कुछ प्रूव करना बाकी नहीं है। बट आफ्टर एवरीथिंग, इवन आफ्टर प्रूविंग दैट ही इज़ अ ग्रेट गोल स्कोरर, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसके बाद भी एक नई टीम में आके सेटल होना, खासकर व्हेन यू आर प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग, इज अ वेरी बिग थिंग। एंड ये गोल स्कोरिंग आई होप कावानी को एक अच्छे फॉर्म में, एक अच्छा रिदम में लेके जाए, जिससे कि कावानी काफ़ी कुछ अचीव कर पाए, एंड आई होप फॉर द बेस्ट फॉर हिम। इस गेम से हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझ में आई है, मतलब फर्नांडिस इज गुड, मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्क्वाड एफर्ट दिखा रही है, ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास एक लीडर आ चुका है, एंड उस लीडर का नाम है ब्रूनो फर्नांडिस। क्योंकि भाई एक देखो, ब्रूनो फर्नांडिस ने अपनी खुद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है मैच के बाद, जो उसने पोस्ट मैच अपना इंटरव्यू दिया, उसमें ब्रूनो फर्नांडिस ने बोला कि एवरी टीम नीड्स लीडर्स, कुछ लीडर्स साइलेंट होते हैं, कुछ लीडर्स बोलकर टीम को करते हैं, कुछ लीडर्स अपने एक्शन से टीम को करते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस सीम्स लाइक द प्लेयर जो अपने एक्शन से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, बिकॉज देखो 18 गोल्स दिस गाय ब्रूनो फर्नांडिस हैज स्कोर्ड 18 गोल्स, इसने 18 गोल मारे हैं अपने 30 मैचेस में ऑल कॉम्पिटिशन में। एंड रिमेंबर दिस थिंग, एक मिडफील्डर है, दैट्स अमेजिंग, वो एक बहुत अमेजिंग रिटर्न है फॉर एनी प्लेयर ने, एवरी नेक्स्ट गेम में गोल मारने से भी अच्छा एवरेज है, इट्स 0.6 गोल्स पर गेम, इतना अच्छा एवरेज मिडफील्डर्स में शायद ही किसी का होगा। एंड इससे तुम समझ सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पूरे कैरियर अपना यही एवरेज कंटिन्यू करेगा जब तक यूनाइटेड के लिए खेलेगा, नहीं, बट भाई साहब क्या खेल रहा है ये बंदा, एंड ही इज द लीडर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रेव कर रही थी अभी तक। एंड देखो, एक टीम जब खेलती है ना, तो 11 के 11 बंदे अपने टाइप के लीडर्स होने चाहिए। जैसे देखो, कई प्लेयर्स होते हैं जो बोलते नहीं ज़्यादा, जो शाय होते हैं, जो ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, उन वो प्लेयर्स एग्जाम्पल से लीड करते हैं। बात रही बोलने वाले, यूसी जेराड, जेराड ऐसा लीडर था जो हर मिनट शाउट करता था, अपने हर एक प्लेयर को गाइड करता था, ही वॉज अ वोकल लीडर, वो अपनी टीम को पुश करता था। एंड फर्नांडिस सीम्स टू बी अ मिक्स समवेयर बिटवीन द टू, क्योंकि फर्नांडिस शाउट भी काफ़ी करता है, टीम को लीड भी करता है, एंड वो अपने एफर्ट से भी, अपनी चीज़ों से भी काफ़ी कुछ करता है। तो आई थिंक दिस वॉज अ वेरी गुड गेम एंड वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द लॉन्ग रन। क्यों? बिकॉज इस गेम से भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की फेट सील हो सकती थी, ओले गनर सोल्शर की जॉब की फेट सील हो सकती थी। एंड इस परफॉर्मेंस के बाद टेबल्स हैव टर्न्ड, बोल सकता हूँ कि टेबल्स हैव टर्न्ड। रीजन बीइंग, पहले जब आप देख रहे थे ओले गनर सोल्शर को, तो आप बोल रहे थे कि भाई ये बंदा मैनेज नहीं कर सकता टीम को, इनकन्सिस्टेंसी कोई डिनाई नहीं कर सकता इस टीम की, बिकॉज ये जीतती और हारती है। 5-0 विन के बाद तुम भाई ऐसी टीम से हारोगे, वो ठीक है, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के ये जो प्लेयर्स हैं, ये राइट मोमेंट एट द राइट टाइम एक ऐसा परफॉर्मेंस देने के केपेबल है इस टाइम पे, जो बिग टीम्स के बिग प्लेयर्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं। डीडीए ड्रॉगबा क्यों इतना फेमस था? बिकॉज वो बिग गेम्स का प्लेयर था। एंड आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस की भी, अगर वो इस तरीके से खेलता रहा, तो ब्रूनो फर्नांडिस की भी उस तरीके की बिग गेम प्लेयर की लेगेसी बन जाएगी, एंड आई थिंक वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री बुक्स में लिखा जा सकता है फॉर द थिंग्स ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्लब। एनी विच वेज, थोड़ा सा एवर्टन के भी बारे में बात कर लेते हैं। एवर्टन वो वेरी पुअर डिफेंसिवली, क्योंकि वो सॉलिड नहीं लगे। जो हॉलगेट खेल रहा था विद कीन, वो बहुत शेकी लग रहा था, है ना। फुल बैक्स में राइट साइड से वो थोड़े वीक लगे, है ना। आई मीन गोइंग फॉरवर्ड कोलमैन वॉज ग्रेट, डिफेंसिवली वॉज नॉट दैट गुड। डीनिया भी सेम चीज़, गोइंग फॉरवर्ड ही वॉज गुड बट डिफेंसिवली नहीं। क्रॉसेस बॉक्स में नहीं पहुंच रहे थे, जब तुमको पता है कि तुम्हारे पास डोमिनिक कैलवर्ट लुइन है, एक बंदा जो हवे एयर में इतने अच्छे से हैंग करके हेडर्स फिनिश कर सकता है, तुम ऑब्वियसली क्रॉसेस डिलीवर करोगे बॉक्स में, तुम ऑब्वियसली ट्राई करोगे कि भाई क्रॉसेस डिलीवर हो एंड गोल स्कोर हो, एंड वो उनने किया नहीं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मेरे हिसाब से बुरी थी, एंड मेरे हिसाब से शायद कार्लो एंचेलोटी को ने भी ये नोटिस ऑब्वियसली किया होगा,
अब हमारे जैसे बंदे कर रहे, तो कार्लो एंचेलोटी जैसे एक्सपीरियंस कोच ऑब्वियसली नोटिस करेगा, बट रिचार्लिसन का ना होना यहाँ पर खटक रहा था एवर्टन को। भाई साहब क्यों नहीं, मतलब तुम समझ सकते थे ये चीज़ कि एवर्टन का कोई एक पीस मिसिंग लग रहा है जिगसॉ का, एंड वो पीस तुमको अच्छे से पता है क्या है, रिचार्लिसन। एंड इससे समझ में आता है कि रिचार्लिसन का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है इस टीम में। मतलब लिटरली रिचार्लिसन के रेड कार्ड के बाद से एवर्टन तीनों के तीनों गेम हारे हैं, तो इससे तुम समझ सकते हो रिचार्लिसन का इम्पोर्टेंस। एनी विच वेज आई डोंट थिंक और कुछ ज़्यादा है इनके पास इस मैच के बारे में बोलने के लिए, बिकॉज हमने सब चीज़ों के बारे में बात कर ही ली है, 1 पॉइंट आउट ऑफ पॉसिबल 12। तो या चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कल वीडियो आने वाला है सिटी लिवरपूल के गेम के बाद, एक्साइटेड हो ना? प्रिडिक्शन बताओ सिटी लिवरपूल गेम का, तुमको क्या लगता है? एनी वेज सी यू इन द नेक्स्ट वन, आदियोस।